हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग सबको। राधे राधे। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे। आज ना मैं मूली का साग बनाने वाली हूँ फ्रेंड। तो आ गई हूँ बाड़ी में मूली उखाड़ने के लिए। आप देख सकते हैं बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से लगाया हुआ है बाड़ी में फ्रेंड, और कुछ पार्ट्स में ना अरबी भी लगाया हुआ है। तो मैं मूली उखाड़ रही हूँ फ्रेंड, बिल्कुल देसी स्टाइल लाऊंगी। और कुछ कुछ पत्ते को ना मैं फेंक रही हूँ क्योंकि कीड़े खा गए हैं। बरसात के मौसम में ऐसे ही कीड़े बहुत सारे होते हैं तो खाते हैं पत्ते को, इसलिए जितना सब्जी बनाने लायक का मैंने उखाड़ लिया है, देख सकते हैं। अब मैं जा रही हूँ धोने के लिए दल की। दल की जगह का नाम है फ्रेंड, वो पानी का स्थान है, बहुत अच्छा स्रोत है पानी का यहाँ पे। और पानी के बगल में एक शिव मंदिर है, आप देख सकते हैं छोटा सा दिख रहा है ना, वो मंदिर है। और यहाँ पे बर्तन वगैरह भी धोते हैं, फिर जो भी खेती वूती हर कुछ कर सकते हैं, अच्छा स्रोत है। तो इस तरह से हम पहुँच गए हैं दल की, और मूली साग को ना इस तरह से हम धो रहे हैं फ्रेंड, ऐसे जितने भी मिट्टी वगैरह बालू वगैरह होगा ना वो साफ़ हो जाएगा। और बरसात वाला जो मूली साग होता है ना बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड, और महंगा भी बिकता है, आप लोगों को पता ही होगा। ठंडा आज में जो मिलता है ना सर्दी के मौसम में, उससे बहुत अच्छा लगता है टेस्टी, ये बारिश का मौसम वाला। तो ये वाला साग को ना इस तरह से धो लेंगे, और मैंने ना सारे साग को धो लिया है। अब मैं जा रही हूँ घर, आप देख सकते हैं, और घर आ गई हूँ। अब इसे इस तरह से कटिंग कर लेंगे फ्रेंड, इसके कंधे और साग को, और जो इसका डंठल होता है ना उसे मैं बाहर फेंक रही हूँ काट के, क्योंकि बहुत मोटे मोटे हो जाएंगे इसलिए। और मूली का साग खाने से ना फ्रेंड, मूली का जो साग है ना उससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, वजन कम करने में या फिर सर्दी बुखार जो होता है वो कंट्रोल होता है। और मूली साग में ना एंटीऑक्सीडेंट के गुणों से भरपूर मिलता है, इसलिए हमें ज़रूर खाना चाहिए ये साग। तो आप भी खा सकते हैं फ्रेंड। और इस तरह से बारीकी से साग को काट लेंगे, और जो मूली है ना उसे स्लाइसेस में इस तरह से कटिंग करेंगे, देख सकते हैं बहुत अच्छा दिख रहा है साग ना, एकदम ताजे ताजे। और जो ताज़ा होता है ना वो खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड। और मैंने ना सारे साग को काट लिया है, आप देख सकते हैं, और पानी में डाल रखा है। अगर आपको फिर से धोना है तो धो सकते हैं, और नहीं धोना है तो चलेगा। कढ़ाई गर्म हो गया है, और हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल, एक लहसुन और दो मिर्च लाल वाला, और मीडियम साइज़ का ना प्याज डाला है मैंने, और इसे भून लेंगे। प्याज का कलर चेंज हो गया है तो साग डाल लेंगे फ्रेंड। और मैं ना चूल्हा में बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा पानी निकलता है ना इसलिए। तो देख सकते हैं सारा साग को छान के मैंने डाल लिया है कढ़ाई में इस तरह से, और चला लेंगे साग को। चूल्हा में बना रही हूँ ना इसलिए बहुत ज़्यादा धुआं धुआं हो गया है फ्रेंड, और कैमरा में भी हो गया है तो इसलिए ऐसे दिख रहा है, और पानी भी बहुत ज़्यादा निकल रहा है। तो हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, और एक टमाटर डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि गल के कम हो जाएगा। और मैंने ना टमाटर को चॉपिंग नहीं किया है, गल जाता है इसलिए, ऐसे बीच बीच में ढक के हम चला लेंगे जब तक इसका पानी कम नहीं हो जाता तब तक, इस तरह से हम चला लेंगे फ्रेंड साग को। चूल्हा में कैमरा भी हिल रहा है क्योंकि हाथ से ही वीडियो बनाते हैं, ट्राइपॉड अभी तक लिए नहीं है इसलिए। तो देख सकते हैं हम लोग का जो साग है ना वो पक गया है, और पानी कम हो गया है। तो जो टमाटर है ना उसे इस तरह से मैश कर लेंगे छोलनी के सहायता से, आप देख सकते हैं। और इस तरह से चला लेंगे मैश करके, ताकि जितना सारा साग में हम लोग का जो टमाटर है ना वो मैश हो जाए, और खाने में भी बहुत टेस्टी लगे, एकदम कम सामान में बहुत टेस्टी सब्जी, और घर का ऑर्गेनिक तरीका से उगाया हुआ सब्जी, क्या मज़ा ही आ जाना है फ्रेंड आज। तो इस तरह से हम साग को भून लेंगे, और मैंने ना बॉईल करके नहीं भुना है फ्रेंड, क्योंकि जितना भी विटामिन है ना वो कच्चा में ही खाना चाहिए बोलते हैं हल्का हल्का,
तो इसलिए ऐसे बना रही हूँ। आप भी कभी ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी लगता है। और देख सकते हैं हम लोग का जो साग है ना, वो बन के रेडी हो गया है और दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। चावल के साथ आप खा सकते हैं फ्रेंड। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, रेसिपी, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें